Hello guys, today we are going to talk about the biomedical waste management and उसका क्या disposal होता है, तो इसको BMW भी कहते हैं। तो waste जो generate होता है is termed as biomedical waste, जिसका मतलब है कि वो waste जिसमें human pathogen हो उतना sufficient virulence का कि और उतना sufficient concentration में कि उसका अगर एक्सपोजर हो तो जो होस्ट है उसको कुछ भी डिसीज़ हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। हम देखेंगे कि ये वेस्ट डेंटल ऑपरेटरी में कैसे आता है, कैसे इसको अलग अलग सेग्रीगेट करके पैक किया जाता है और फाइनली ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो वेस्ट कैटेगरी स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट्स आपके लिखे हुए हैं इस टेबल के अंदर। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले कैटेगरी वन में ह्यूमन एनाटॉमिक वेस्ट आता है। इसमें ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन्स या फिर बॉडीली पार्ट्स हैं जो कि आपके येलो डस्टबिन में जाएंगे, जो कि इंसिनरेशन और डीप बरियल होगा फिर उनका। देन एनिमल वेस्ट है जो कि एनिमल टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स ये सब भी आपके येलो में जाते हैं। देन आपके माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हैं जो कि लैब में होता है, ये सब भी येलो में ही जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी जो है आपकी वो येलो डस्टबिन में, येलो प्लास्टिक बैग में जाएगी, ठीक है। देन कैटेगरी फोर इज वेस्ट शार्प्स, जैसे कि नीडल्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, वायर्स हो गई, जिनसे पंक्चर या कट लग सकता है और वो आपके रेड में जाते हैं, ठीक है। देन कैटेगरी फाइव जिसमें आपके मेडिसिन या ड्रग्स हैं जिसमें आउटडेटेड या कंटामिनेटेड मेडिसिन हैं वो आपके ब्लू में जाते हैं। देन आपके जो नॉन एनाटॉमिक वेस्ट हैं जैसे कि ब्लड वाला गोज है आपका या फिर दांत निकला हुआ या इम्प्रेशन है या कॉटन है या ड्रेसिंग है या कोई बेडिंग लेनिन बेडिंग है या मटेरियल जो कि ब्लड से कंटामिनेटेड है वो भी येलो में ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट है जैसे कि आपका ट्यूबिंग है, कैथेटर है, आईवी सेट है, वो आपका रेड में जाता है। सो बाकी जो लिक्विड वेस्ट है जैसे कि वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग वाला, वो आप नॉर्मल वालों में डाल सकते हैं। लिक्विड वेस्ट आप ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। देन जो ऐश है, जो ऐश निकलती है वो अब आपकी ब्लैक में जाएगी। देन आपका केमिकल वेस्ट है जैसे कि इंसेक्टिसाइड का डिसइंफेक्शन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके कंटेनर्स में जाएगा। सो जनरल वेस्ट, किचन वेस्ट, पेपर टिश्यू, वाटर बॉटल, कैन वो आपका नॉर्मल ग्रीन में जाता है। देन इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंजेस, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट वो रेड में जाता है। इन्फेक्टेड वेस्ट जैसे कि सॉयल, एनाटॉमिकल, केमिकल लिक्विड, साइटोटॉक्सिक, लेबोरेटरी वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन वो आपके येलो में जाते हैं। ब्लू में आपके एंटीबायोटिक्स, वायल्स हो गए, मेटेलिक इम्प्लांट्स हो गए, ग्लासवेयर मटेरियल्स हो गए या फिर साइटोटॉक्सिक चीज़ें जो नहीं होती उसको छोड़ के बाकी सब ग्लासवेयर चीज़ें आपके ब्लू में जाती हैं। देन नीडल्स, शार्प नीडल्स और कट ग्लासेस आपके वाइट में जाते हैं, ठीक है। नाउ अब सर्जिकल प्रोसेस के टाइम पे कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि ड्रेसिंग्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ग्लव्स हो गए या फिर और भी मटेरियल जो कि या डिस्चार्ज हुआ या फिर कुछ और ब्लड निकला, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बैग में, डबल बैग में डालते हैं और गार्बेज कंटेनर में डाल देते हैं जो कि गार्बेज कलेक्टर्स ले जाते हैं। ब्लड और बॉडी फ्लूड जो मटेरियल्स के अंदर होते हैं उससे एक रिस्क हो जाता है ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो आपको इन नॉर्मल बैग्स में नहीं डाल के नॉर्मल म्यूनिसिपल वालों को नहीं देना है, आपको इन प्लास्टिक, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाले बैग्स का यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ हेल्दी फॉर यू एंड योर सराउंडिंग एज वेल। आप नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से किसी और को डिसीज़ हो। तो जो रेगुलर गार्बेज है वो तो आप, जैसे किचन वेस्ट हो गया, वो आप अपना यूजुअल जो भी आपका गार्बेज सिस्टम है आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन ब्लड और फ्लूड है ये डायरेक्टली आपको सीवर में नहीं डालना है, लेकिन आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट आपको
अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और जो हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको पहले स्टरलाइज करिए और फिर आप उसको डिस्कार्ड कीजिए। डिसइन्फेक्शन ऑफ शार्प सोइल लिनन प्लास्टिक रबर गुड्स, आपको पहले डिसइन्फेक्ट करना है उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ करना है। बैग्स को सील करना है, एक सिक्योर क्लोजर बनाना है ताकि वहाँ पे लीक ना हो कुछ भी, और आपको फिर अपना बायोमेडिकल वेस्ट उसको अपने जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको दे देना है। अब बैग्स को सील करके एक लीक रेजिस्टेंट सील बनानी है, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए उसको इमीडिएटली आफ्टर पैकिंग। तो इसमें भी यही है, ब्लैक में आपका साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, एक्सपायरी मेडिसिन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स, एनाटॉमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिकेशन, कीमोथेरेपी वेस्ट। देन ग्रीन में आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, रिसाइक्लेबल वेस्ट इज़ ऑफिस स्टेशनरी हो गया, टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट, डिस्पोजेबल पेपर कप्स, डिस्पोजेबल मेल या फिर मोल या वाटर बॉटल्स। या रेड में आपका बायोहैजर्ड इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट आएगा, येलो में आपका बायोहैजर्ड इन्फेक्शियस वेस्ट आएगा, ब्लू में आपका शार्प वेस्ट आएगा और वाइट में आपका इंजूरियस एंड इन्फेक्शियस शार्प वेस्ट आएगा। सो ऐसे आप अपने ऐसे 3-4 बॉक्सेस लगा सकते हैं अपने क्लिनिक में, और उनके ऊपर एक चार्ट भी लगा सकते हैं ताकि आपको जब भी आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे वेस्ट को, तो आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे किस तरह से आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आदत हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा रेड में जा रहा है, कौन सा येलो में जा रहा है। एंड दिस इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, तो और लोगों को डिसीजेस ना हो इसके लिए, तो प्लीज़ ख्याल रखें कि कौन सा वेस्ट कहाँ जा रहा है। एंड प्लीज़ डू योर रजिस्ट्रेशन एज वेल, बिकॉज अगर आपके पास ये BMW का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी एंड असेंशियल। एंड इसके साथ साथ आपको पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। So if you want a video on what kind of documents you need for opening a dental clinic, just let me know, I will make it. So thank you so much and have a wonderful day. Bye.